नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आप में से जितने भी कैंडिडेट्स के पास क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स थे और वो परेशान हो रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, हमें कहीं बाहर तो नहीं कर देंगे, हमें मेडिकल देने देंगे या नहीं देने देंगे, अब फाइनली उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनको कहीं ना कहीं अब राहत मिलने वाली है। सो क्या है गुड न्यूज़ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये बताया था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही तो आपको कोई बाहर करेगा, ना ही आपको कोई मेडिकल देने से रोकेगा। फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर कहीं ऐसा ना हो कि अब तो हमें लग रहा हो कि हमें मेडिकल देने दिया जाएगा, हमें बाहर नहीं करेंगे, बट फाइनली वहां पर जाकर कभी हमें मेडिकल में रोक दे, हमें बाहर कर दे। तो अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा कि हां आपका अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो भी आपको यहां पर बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। सो एडमिट कार्ड के अंदर जो आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन आई थी उसके अंदर पैरा नंबर 13 उसके अंदर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी इनको बता दिया था, शायद आपको समझने में कुछ दिक्कत होगी या मुझे समझाने में कोई दिक्कत होगी जो शायद वो बात पूरी तरह से नहीं समझ पाए। सो फाइनली आज हम उसको एक बार दोबारा से देखते हैं कि 13 नंबर पहरे के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। 13 नंबर पहरा आपके साइड में मैंने लगा दिया है। यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट व्हेन सच सर्टिफिकेट आर सॉर्ट बाय द कंसर्न्ड सीएपीएफ फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग एट द टाइम ऑफ द डीएमई, अदरवाइज देयर क्लेम ऑफ एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। देखिए ये कहना चाह रहा है सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट किए हुए उन फॉर्मेट के अंदर कि आपको जो जब आप डीएमई के अंदर जाएंगे और अगर आप किसी चीज़ का रिजर्वेशंस का बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सबमिट करनी होगी, और अगर आप सबमिट नहीं करते हैं या आपकी उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आपको अनरिजर्व यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर मेरी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके, ऐसे में मुझे क्या करेंगे। सो आपको अनरिजर्व यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जॉब दे दी जाएगी, ठीक है। बट अगर आपकी सर्टिफिकेट में कुछ इश्यू मिलता है फॉर ईडब्ल्यूएस एसटी ओबीसी या एक्स सर्विसमैन जो भी आपके पास सर्टिफिकेट से इनके अंदर, तो आपको और आप अनरिजर्व की कट ऑफ को क्लियर नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो सेकंड हाईलाइट है वहां पर चलते हैं। कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी मस्ट एंश्योर दैट ही सी पोजेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट that does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date of this purpose will be the closing date of the receipt of online application 31st 8 2021, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है देखिए जो भी कैंडिडेट आपके ओबीसी से आपका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो उनकी सर्टिफिकेट है या फिर वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते हैं कब 31/8/2021 से पहले। अगर 31/8 जब तक कि फॉर्म भरना आपका स्टॉप नहीं हुआ था उस समय तक लास्ट डेट जो फॉर्म की थी तब तक वो कौन से क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। अगर उससे पहले वो क्रीमी लेयर में है और उसके बाद भी वो ओबीसी को लगाते हैं तो यहां पर उनको क्या किया जाएगा, उनका यहां पर जो एप्लीकेशन उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व उनको कैलकुलेट किया जाएगा। सो ऐसे में यहां पर क्रूशियल डेट का जो भी इशू था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो लेते भी है क्रूशियल डेट को तो भी आपको किसी को ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली यहां से भी क्लियर हो जाता है, ओनली सिर्फ ओबीसी वाले जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है सिर्फ उनको ही क्रूशियल डेट के बारे में यहां पर चेक किया जाएगा कि वो क्रीमी लेयर के अंदर आते थे 31/8 से पहले या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो चल जाएगा, और अगर आते हैं तो आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी इनको यहां पर कोई भी क्रूशियल डेट का इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप अब बनवाओ सर्टिफिकेट, चाहे कल बनवाओ, चाहे पहले बनवाइयो, आपकी सारी सर्टिफिकेट्स यहां पर एक्सेप्ट की जाएंगी, स्वीकार की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लेकिन आपका एक चीज यहां पर समझनी बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेट नई स्वीकार तो की जाएंगी लेकिन
परफॉर्मा, जो एक परफॉर्मा होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि आपकी AWS का जो आपका या OBC का जो आपके हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने चाहिए। जैसे कि AWS के अंदर आपकी 8 लाख जो होती है इनकम वो दिखानी चाहिए और स्टेट के अंदर 5 लाख दिखाई जाती है, तो स्टेट का आपका वैलिड नहीं होगा, लेकिन सेंटर का अगर बना हुआ है और अगर वो नया बना हुआ है तो आपका चल जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स ने अगर अपनी सर्टिफिकेट नई बनवाई है या पुरानी बनवाई है तो दोनों चलेंगी, साथ में ही अगर SC ST कैंडिडेट्स ने स्टेट की भी बनवा ली तो भी चलेगी, सेंटर की बनवा ली तो भी चलेगी, ठीक है। सो यहां पर ये कंप्लीट 13 नंबर पैरा था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर 13 नंबर पैरा एक बार दोबारा से बता दो, शायद समझने और समझाने दोनों में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो चलिए अब यहां पर आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि केवल OBC को ही क्रूशियल डेट के इशू को फेस करना पड़ेगा, इसके अलावा किसी को भी क्रूशियल डेट को यहां पर फेस नहीं करना पड़ेगा। सो ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो SC ST EWS से बिलोंग करते हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स में क्रूशियल डेट के इशू पर आपको कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार का बाहर होना, मेडिकल नहीं देना, इस तरह की समस्याओं को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।